गुड मॉर्निंग। और आज 11 जुलाई 2024 बड़ा दिन है, और कल शाम को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट प्रेजेंट कर दिया है। ये पूरा 44 पेज का एफिडेविट है, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको 5 घंटे नहीं लगाऊंगा। आपको क्विकली समरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और फिर से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ तक ज़्यादा नंबरों वाली बात है, वो कई बार मेंशन किया गया है पहले भी, कि इस बार और नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को सुनते हैं, कि 25% सिलेबस कम किया गया था। तो देखिए, 25% जब सिलेबस कम किया जाता है, सो मैं रिपीट करता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि परफॉर्मेंस इन एन एग्ज़ाम इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बच्चे का हार्डवर्क, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरी तरफ एक और फैक्टर काम करता है, जो होता है बच्चे का एक नेचुरल IQ, टैलेंट, मेमोरी, जो भगवान की दी होती है। इन दोनों का मिक्सचर होता है ना। और भाई, जो मेरे पास लोग करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं हमेशा समझाता हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, स्पाइट ऑफ बीइंग हार्ड वर्किंग, तो समझिए कि बेचारे के पास शायद वो भगवान का दिया IQ ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी मोटी किताबें पढ़ सके। और वो हम बहुत अच्छा डेटा भी देखेंगे जब ये रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे, कि मैं आप लोगों को क्या हमेशा समझाता हूँ। और यही कारण होता है कि क्यों जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, FMG वाले, उनकी पास परसेंटेज कम आती है। क्योंकि आप में से मोस्टली लोग जो वीडियोस को सुनते हैं, कोई 600 नंबर लाया है, कोई 680 नंबर लाया है, कोई 500 नंबर लाया है, करेक्ट? तो ये उन्होंने फिलहाल वो कर दिया है, जिसको इसमें जल्दी से जाएंगे, कुछ ऐसे मतलब खास नहीं है, वो एक्सरसाइज अपनी कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है। IIT मद्रास की इस्तेमाल किया गया है डेटा एंट्रीज करवाने के लिए, तो ताकि कोई वो ना रहे। ये कह रहे हैं कि बेल कर्व है जो हमेशा होता है, सिटी वाइज सेंटर वाइज एनालिसिस कर दिया गया है फॉर टॉप 1.4 लाख पीपल। ओके, और वो तो यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, जो हम हमेशा कह रहे हैं कि देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन द हायर रेंज, दिस इज बिकॉज ऑफ द 25% रिडक्शन इन सिलेबस। तो जैसा मैंने कहा, कई लोग जो कम हार्डवर्क कर रहे होते हैं, अगर सिलेबस इतना था, लेट से 1000 पेज का है, और आपने 700 पेज 50 पेज का कर दिया, सो वो लोग जिनका हार्डवर्क या फोकस 80-90% था, मतलब वो 1000 पेज पढ़ते ही ना कभी जिंदगी में, पर चूंकि सिलेबस 750 पेज का हो गया, तो फिर वो हेल्प हो जाती है उन बच्चों को बेटर मार्क्स लाने के लिए। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए जो वो समझाना चाह रहे हैं, कि इस बार जो सब लोगों के 6 नंबर आए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द 25% सिलेबस रिडक्शन, एज वेल एज ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग इजी है। मतलब कोई घुमाने वाला सेक्शन नहीं था, जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा था कि कभी फिजिक्स टफ था या कभी बायोलॉजी टफ था। इस बार किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि भाई कोई भी पर्टिकुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी टफ थे, ये इनका कहना है, राइट? डिटेल रिपोर्ट नीचे आ गई है, तो ये 25% सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बोला कि हमने पाइथन वगैरह का इस्तेमाल करा है, और जिसको भी मॉल प्रैक्टिस पकड़ा जाएंगे, उनको पकड़ रहे हैं, और उनको अलग से सजा दी जाएगी, ये खास नहीं है। आइए, आपको पहले मैंने कहा ना कि पूरे 44 पेज नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ये आ गई एग्जीक्यूटिव समरी, और उसके बाद बहुत अच्छा वो है कि बेल कर्व के मार्क्स है जैसे हमेशा होते हैं, ठीक है। 2 साल का उन्होंने सिटी वाइज और सेंटर वाइज एनालिसिस कराया, जो भी दिखाया भी गया है, और फिर से उन्होंने वही रिपीट कराया कि जो हायर मार्क्स में ज़्यादा बच्चे हैं परसेंटेज में, वो बिकॉज ऑफ द 25% रिडक्शन इन सिलेबस। अब जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और शायद इसी से मैं आपके मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, शायद ये वीडियो अगर कोई MBBS अब्रॉड का बच्चा सुन रहा है, और वो ये सोचते हैं कि सर, जब हम रशिया जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, तो वापस आते हैं, तो वो FMG का पेपर पास नहीं हो पाता है। वो इसलिए पास नहीं हो पाता कि क्या आप जानते हैं कि इस साल भी 3 बच्चे तो ऐसे हैं जी, जो -170 नंबर लेके आए, -170, मतलब कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तुक्के मारे, सारे गलत करे, मतलब भगवान ने एक भी ठीक नहीं करा। लेकिन चलो, ये तो 3, 6, 9 है, लेकिन 8400 बच्चे हैं जिनके 0 से कम मार्क्स है, तो टोटल मिला के 9000 बच्चे, 9000 बच्चे
तो माइनस में मार्क्स लेकर आए हैं। अनदर 1 लाख बच्चे हैं, और ये बारी बारी फिगर देखिए, इससे कंटिन्यूस कर 1 लाख बच्चे हैं शायद जो 20 से 40 नंबरों के बीच में हैं। अनदर 2 लाख बच्चे हैं जो 80 नंबर तक हैं। फिर से 2 लाख बच्चे हैं जो 120 नंबर तक हैं। 1.25 लाख बच्चे हैं जो 140 नंबर तक है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो क्वालिफाइंग स्कोर अगर 164 है तो उसके नीचे टोटल 10 लाख बच्चे हैं ना। ये कर वो है, 2018 से पहले ये नीट क्वालिफाई शब्द था ही नहीं। और मैं भी क्या बताऊँ, अपने हाथों से मैंने भी भेजे हैं, जबकि मेरी दिल नहीं थी भेजने की उन बच्चों को, लेकिन क्या करें, एक डायलॉग था ना, गंदा है पर धंधा है। तो मेरे सामने पेरेंट्स फैमिली बैठी है जो नीट में ये नंबर लेकर आई है, -6, -5, -64, 12th में 51%, PCB 50% चाहिए होता था, और कहते थे जी बच्चों को डॉक्टर बनाने। भेज दिया भाई मैंने, क्योंकि हमारा तो काम था भेजना, एडमिशन कराना, वीज़ा लगवाना। जब ये बच्चे जाते हैं जो यहाँ पर -14 -20 नंबर लेके आए थे, देखिए वो वहाँ पर भी पास नहीं होते, ये भी मैं बता दूँ खुल के, वहाँ पर भी जुगाड़ से लेन देन करके कुछ कॉलेजेस में वो पास किए जाते थे। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो बाहर की कंट्री भी नहीं चाहती कि आप उन पे बोझ बन जाओ, तो वो भी चाहते थे 5 6 साल में इनको भेजा जाए। अब ऐसा बच्चा जब वापस आता था, आता है, उसी से FMG आज तक क्लियर नहीं होता, जस्ट उठे लिए। तो इस कर्व से ना आपको ये भी पता चलता है, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पर तो बहुत बहस कर रहे हैं, लेकिन हम कभी इसी का ध्यान ही नहीं करते कि ये जो बच्चे इतने नंबर लेकर आए हैं, ये भी तो स्टूडेंट ही है ना। अभी वही स्टूडेंट हैं जी, या तो IQ बहुत वीक है, या हार्डवर्क और फोकस बहुत वीक है, या दोनों ही बहुत वीक है। दोनों में से एक भी ठीक होगा ना, तो इतने मार्क्स, इतने कम मार्क्स नहीं आ सकते। इतने कम मार्क्स तो उसी के आते हैं जो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, कि लो IQ एंड लो हार्डवर्क एंड फोकस। और जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने वही दिखाया कि फिर 164 के बाद कैसे 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 हम आगे जा रहे हैं। तो वेरी नाइस प्लॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बार बार वो पटना को ब्लेम किया जा रहा था, वो कह रहे हैं कि जो टॉप 100 हैं उनमें 5 बच्चे बेंगलोर से हैं, 4 लखनऊ से हैं, 3 कोटा से हैं, 3 एक नमक्कल करके स्ट्रीट सिटी, और पटना से खाली 2 हैं टॉप 100 में। तो अगर पेपर आउट हुआ था तो पटना सेंटर से तो बहुत बच्चे होने चाहिए थे ना, टॉप 100 में सिर्फ 2 बच्चे हैं। और हम जानते ही हैं कि पटना भी एक एजुकेशन का हब है फॉर बिहार स्टूडेंट्स, तो 1 या 2 तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जेनुअन भी आएंगे, ऐसा उनका कहना है। अब वो टॉप 500 पे भी ले गए, जिसमें वो सिटी स्पेसिफिक ले गए, और फिर से ये बताया गया कि हाईएस्ट है वो सीकर है, फॉलोड बाय कोटा एंड अगेन पटना, और पटना में ड्रॉप है 1 साल का। ये बार बार पटना को बहुत फोकस किया जा रहा है, और सीकर फिर से हम जानते हैं कोचिंग का हब है, कई बच्चे यहाँ पर कोचिंग करने से सीकर में आते हैं, और सीकर में ही फिर अपना सेंटर भी भर देते हैं। तो सीकर और कोटा बहुत, आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं। अब वो टॉप 1000 पर भी ले गया, फिर से सीकर लीड कर रहा है 55, कोटा 35, कोटायम जो कि अब एक केरल में जगह है, वो भी सुना है कि केरल का कोचिंग हब है, और पटना फिर से -2। मतलब बार बार पटना में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो तो गिर गया है। अब सिटी वाइज स्प्रेड की बात आई अक्रॉस सेंटर, सारे सेंटर शहर के, फिर से सीकर 322 5000 में से, कोटा 171, और पटना तो 118 से गिर के 78 आ गया। वो टॉप 60,000 पे चले गए, फिर से पटना है वो -432 है, सबसे सीकर कोटा, और फिर से वो दिखाया जा रहा है कि पटना की परफॉर्मेंस तो इस साल पिछले साल से भी खराब है। और बार बार वो ये दिखाया जा रहा है कि पटना जहां पर सबसे ज्यादा वो कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, वो तो हर लिहाज से नेगेटिव 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 है। फिर से अब सेंटर आईडीज पे आ गए, तो जो टॉप 100 में जिन जहाँ जो दो दो बच्चे हैं, बाकी जो एक बच्चा होगा उनमें कोई भी गुजरात का या पटना का सेंटर एक्चुअली है ही नहीं, विच मीन्स पटना के किसी भी बच्चे के 720 आए ही नहीं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भटिंडा, चेन्नई, लखनऊ, सिमिलरली लास्ट ईयर दिखाया गया तो वो विजयवाड़ा, जयपुर, कोयम्बटूर था, जहाँ दो दो बच्चे दिखाए गए हैं, बाकी हर जगह एक बच्चा होगा। टॉप 500 पकड़ लें तो भटिंडा के एक सेंटर है जहाँ से 5 है, सीकर का एक है जहाँ से 4 है, सूरत है जहाँ 4 है, फिर से कोई पटना नहीं है। फिर से वो बात, बार बार वो एक्चुअली पटना पे फोकस कर रहे हैं। टॉप 1000 पे चले गए तो भी पटना नहीं आ रहा,
लास्ट ईयर भी, इस साल भी, और फिर सेंटर आईडी भी उन्होंने पकड़ लिए, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि अगर हम सिटी के हिसाब से देखें तो टॉप 5,000 में बिल्कुल ठीक है। राजकोट का एक सेंटर है जिसमें 29 बच्चे हैं, अहमदाबाद में 14 हैं, साउथ में नमक्कल में 14 हैं, जयपुर 13, सीकर 13, और अपनी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, तो भाई सीकर जयपुर तो आप सब जानते हैं कि कोचिंग हब है, वहाँ पर पढ़ाई के बाद आप लोग इकट्ठे ही फॉर्म भरते हैं और आपको वो सेंटर्स मिल जाते हैं जहाँ पर जाके आप पेपर देते हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में उन्होंने भाई जो डेटा एनालिटिक्स था वो सारा कर डाला। ये ज़रूर बिल्कुल सही बात है कि 700 से 720 पिछले साल 350 थे। सबसे इम्पोर्टेंट शायद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो हम सब बच्चे देख रहे हैं ना कि भाई ये 350 से 2,000 हो गए, 6,000 से 27,000 हो गए, 22,000 से 51,000, 35 से 60,000। अब पता क्या है, जो एक मुझे भी ट्रोल कर रहा था, और डेटा को ना हम, आई एम अ डेटा एक्सपर्ट, यू मे नॉट बी नोइंग कि आफ्टर माई MBA आई वर्क फॉर 2 ईयर्स एज अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा को ना हम कभी भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारी इच्छा हो। तो एक बड़ा बेकार एग्जाम्पल देता हूँ, या अच्छा एग्जाम्पल होगा, एक शहर है जहाँ पर पिछले साल सिर्फ 2 क्राइम हुए और इस साल 2 के बदले 5 हो गए। एक और शहर है जहाँ 200 क्राइम हुए, इस साल 200 से बढ़ के 300 हो गए। लेकिन परसेंटेज में क्या दिखाया जाएगा कि जब 2 से 5 हुए ना, तो इट इज़ ए इंक्रीज ऑफ 150%, जबकि 200 से 300 में इज ए इंक्रीज ऑफ 50%। लेकिन भाई 2 से 5 और 200 से 300, बट परसेंटेज में यही हो जाता है कि जिस तरीके से आप डेटा को दिखाना चाहते हो वैसे आप दिखा देते हो। तो जिस जिस जिसको ये दिखाना है कि 2 वाले की गलती ज़्यादा है, वो ये दिखाएगा देखो जी उस जगह पर तो 150% इंक्रीज हो गया है और दूसरी जगह सिर्फ 50% हुआ है, जबकि एक जगह 2 से 5 गया, एक जगह 200 से 300 गया है। तो अब 350 से 2,000 देखोगे और परसेंटेज निकालोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा ना कि इट्स अ 500% इंक्रीज। लेकिन 550 से 600 भी तो 35,000 से 60,000 हुए हैं। अब नाउ द परसेंटेज विल शो ओनली 80%। तो यहाँ बढ़े 80% बच्चे, यहाँ बढ़े 500% बच्चे। तो जिसको ये साबित करना है, जिसके मन में बैठा हुआ है पेपर लास्ट स्केल पे लीक हुआ है, वो परसेंटेज 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 बोलेगा कि देखो जी 500%। सिमिलरली 650 से 700 में भी अगर परसेंटेज पे देखोगे तो कितना दिखाई देगा कि भाई 7,000 से 27,000 400%, 22,000 से 50,000 फिर से 150%, जबकि 35,000 से 60,000 80%। पर जैसा मैंने कहा, जब सिलेबस कम हो जाता है तो वो जो IQ वाले और फोकस कम ज़्यादा वाले, मतलब वो जो परफेक्ट IQ और परफेक्ट फोकस टेक्स यू टू 700 to 720, लेकिन जब आपने सिलेबस कम कर दिया और क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी दे दिए, तो वो जो गुड IQ और गुड वो थे फोकस वाले, वो भी अपने नंबर को बढ़ा देते हैं, राइट। और जो नीचे वाले एवरेज हैं वो तो एवरेज ही रहेंगे, और जो बिलो एवरेज है जो कुछ भी नहीं करते, वो इस बार भी -2, -10, 80, 90, 100 नंबर लेकर आई है ना। लेकिन सिलेबस कम करके आपने जो अच्छे मेहनती बच्चे हैं उनको बल्कि थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, वही इस डेटा से दिखाया जा रहा है। और ये थ्योरी मैं आपको दे रहा हूँ वो बिकॉज आई एम एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, मैं बार बार कहता हूँ आई एम नॉट जस्ट MBBS काउंसलर और एजेंट, आई एम अ वेल नोन करियर काउंसलर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो दुनिया बहुत देखी है मैंने, लोगों को बच्चों को बहुत समझता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्यों जब सिलेबस कम हो जाता है तो जो बच्चा 550 560 लाने वाला था वो 610 पे खिसक गया, 600 लाने वाला था वो 660 पे खिसक गया। ये भी कह रहे हैं कि ये जो रेंज है 500 से 720, दिस इंक्रीज इज 25% रिडक्शन इन सिलेबस। द नीट सिलेबस कमिटी हैज रिड्यूस द सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिमूविंग सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेक्शंस। वी आर इन्फॉर्म दैट दिस वाज डन इन द कंसल्टेशन विद स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड विद इंटेंशन टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। और फिर से ये कहा गया कि ये जो नंबर है 700 720, ये 276 डिफरेंट मीन्स 1404 डिफरेंट सेंटर्स में, मतलब कि टोटल जो 2321 बच्चे हैं वो 1400 डिफरेंट सेंटर्स में।
650 से 699 जो 27,000 बच्चे हैं, वो 509 डिफरेंट शहरों में और 4,000 डिफरेंट सेंटर्स में हैं। तो भाई वो कह रहे हैं कि हर जगह से बच्चे हैं, और उसने साबित कर दिया या कंक्लूड कर दिया कि देर इज नो स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी। ओके, उसके बाद बाकी सारी कहानी है। सो विद दिस एफिडेविट एंड नोइंग वर्ड्स, आई थिंक नाउ आई कैन कंक्लूड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दैट टूडे डिसीजन विल बी नॉट इन द फेवर ऑफ डूइंग नीट अगेन। एंड सो पीपल, माई क्लाइंट्स और अदर पीपल, बी गियर अप फॉर द काउंसलिंग। द काउंसलिंग ऑफ एम सी सी शुड स्टार्ट फ्रॉम मंडे। आई थिंक द रीजन टू डिले इज बिकॉज ऑफ दी फी इंक्रीजेस, एन एम सी परमिशंस विच हैज़ बीन गिवन टू न्यू कॉलेजेस। तो उन सब के मद्देनजर होते हुए समय लग रहा है, और मेरे ख्याल से अब जब ये कंक्लूड हो जाएगा तो फिर एम सी सी भी फास्ट काम करेगी, ब्रोशर अपना कल या परसों रिलीज कर देगी अगर कोई रूल चेंज होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप में से जो भी अगर कोई एन आर आई गार्जियन की, एन आर आई की सीट देख रहा है, तो यू कैन एक्ट एंड यू कैन बिहेव एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। ओके, एंड दिस इज हाउ यू नो आई एम एबल टू लुक एट डेटा इन जर्नल, और वही डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं जब राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। राउंड वन में क्या कट ऑफ चल रही है, राउंड टू में क्या कट ऑफ चल रही है, मिक्सिंग एंड मैचिंग कट ऑफ ऑफ वेरियस स्टेट्स, सम टाइम लुकिंग एट द कॉमन स्टूडेंट्स, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू अपने क्लाइंट्स को एक ऑप्टिमल सीट दिला पाते हैं, क्योंकि इस तरह का मैथमेटिकल डेटा एनालिसिस भी करना मेरी एक्सपर्टीज है। ओके, सो वी हैव नाउ लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल फॉर अवर पेड काउंसलिंग सर्विस। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 100 से ऊपर तो लेते ही नहीं है, एंड नाउ वी आर टचिंग अराउंड 72, 73 आई थिंक, एक यस्टरडे को और रात को जुड़े हैं 8 बजे। तो अगले और 5-7 दिन में हमारा 100 का अकाउंट पूरा हो जाएगा, और फिर हम किसी नए को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो फिर वो मतलब वो जो कॉल मैं लेता हूँ 2,500 की टू आंसर योर क्वेश्चंस, वो भी हम बंद कर देते हैं, बिकॉज वंस द काउंसलिंग स्टार्ट्स देन वी आई हैव टाइम ओनली टू गिव टू माई क्लाइंट्स, जो कि फुल पैकेज ले चुके हैं। ओके, सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं अपील करूंगा उन बच्चों से जिनके मार्क्स 610 से 640 हैं, कि बी पॉजिटिव, तैयारी कीजिए अगले साल की, या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, या जो करना है कीजिए। एंड एटलीस्ट दिल पे मत लगाइए, क्योंकि 2-3 बच्चों से जो मेरी बात हुई थी, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, एक बच्चा तो डिप्रेशन की तरफ जा रहा था, और जब वो मेरे पास आके बैठा तो मैंने उसको यही समझाया कि थोड़ा तो, पर उस दिन शायद वो मौका नहीं था कि मैं सब डेटा समझाता, तो मैंने तो खाली एक नॉर्मल एक साइकोमेट्रिक काउंसलिंग कर दी थी। बट जस्ट एन एडवाइस टू एवरीबडी, टेक इट एंड मूव ऑन। और अब तो आपके सामने प्रॉपर डेटा एनालिसिस भी आ गया, जो हम मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि 25% सिलेबस कम होने की वजह से सब बच्चों के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके नंबर बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे बच्चों के नंबर बहुत बहुत अच्छे आ जाते हैं। और जो ढिलाई बच्चा है, जो माइनस में नंबर लेकर आया है, जिन्हें किताब को खोला ही नहीं है, तो सिलेबस 25% कम हो जाए, 75% कम हो जाएगी, उनके नंबर -20 ही आने थे, 15, 20, 25 नंबर ही आने थे। तो उन बच्चों के नंबर नहीं बढ़ते हैं जब सिलेबस कम होता है, क्योंकि वो तो वैसी किताब नहीं खोल रहे। ओके, इस बात को समझिए। और हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।